CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। समीर वानखेड़े और शबाना कुरैसी का निकाह करवाने वाले काजी आए सामने, बोले झूठ बोल रहे हैं समीर। साल 2006 में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े और उनकी पहली पत्नी डॉक्टर शबाना कुरैसी का निकाह करवाने वाले काजी मौलाना मुजम्मिल अहमद अब मीडिया के सामने आए हैं। मुजम्मिल अहमद का कहना है कि निकाह के दौरान समीर वानखेड़े ने खुद को मुसलमान धर्म का बताया था, इसी वजह से उन्होंने यह निकाह करवाया था। फिलहाल समीर वानखेड़े झूठ बोल रहे हैं और वह एक मुसलमान हैं। सन 6 ईस्वी में वो आए थे और मुसलमान की शक्ल में, शबाना भी वो भी मुसलमान थे। और ये तो जानकारी मिली ही जब उस पर दस्तखत है समीर के सामने मुसलमान की, और मुसलमान की लड़की से निकाह कर रहे हैं, तो ये जानकारी है कि ये मुसलमान है, इसलिए हमने निकाह वहाँ पढ़ाया। अब आज वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं था, हिंदू था, झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त मुसलमान थे वो, दाऊद ही बताए ना, वहाँ दाऊद नाम लिखा है ना, आप निकाह आने पे देखो ना भाई, हाँ दाऊद, ये समीर और लड़के बाप का नाम दाऊद। निकाह हमने पढ़ाया और दस्तखत भी किया और समीर वगैरह की भी दस्तखत हुई, वकील और गवाहों की भी दस्तखत हुई। जो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, उस वक्त वो मुसलमान बता रहे थे और मुसलमान थे। आज अगर वो हिंदू अपने आप को बता रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो गलत हैं। उनको समझते या लड़की को समझते तो निकाह ही नहीं होता हमारे यहाँ, और हम निकाह ही नहीं पढ़ाते। इसलिए समीर भी उस वक्त में मुसलमान थे, शबाना ये भी मुसलमान थी, इसलिए निकाह हुआ और हमने निकाह पढ़ाया। वो सही है, शबाना की भी सही है, समीर की भी।